Clario जो कि मेरी गाड़ी थी उसकी जेन्युइन एक्सेसरीज़ को लेकर मैंने वीडियो शूट किया था, और जब मैं गाड़ी की डिलीवरी ले रहा था तो उस टाइम पर मेरी सिस्टर ने वीडियो शूट किया वो डिलीवरी टाइम पर। और वो वीडियो जब मैंने देखा, माइंड में ये आया सबसे पहले कि ये वीडियो मुझे शेयर करनी चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने काफ़ी डिलीवरी की वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पर, तो मन में ऐसे ही हुआ कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो शेयर करनी चाहिए। और वो वीडियो मैंने शेयर किया भी, तो सोचा नहीं था उस पर थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स मैंने एक्सेप्ट नहीं करा था उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला उस डिलीवरी वीडियो पे। तो माइंड में सबसे पहले एक सेकंड थॉट ये आया था कि मुझे सेकंड वीडियो शूट करना चाहिए। मेरे पास एक ऑप्शन भी था कि मैं सेकंड वीडियो शूट करूं। मुझे एक्सेसरीज़ बोला गया कि आपको सेकंड डे डिलीवरी के सेकंड डे आप एक्सेसरीज़ अपनी लगवा सकते हो। तब मैं अपनी गाड़ी को जब मारुति के शोरूम में लेके गया, एक्सेसरीज़ जब मैं लगवा रहा था, तब माइंड में ये आया कि मुझे यहाँ पर वीडियो शूट कर लेनी चाहिए। हालाँकि वो परमिशन नहीं देते हैं वीडियो शूट करने का, लेकिन मैंने वीडियो अपनी मोबाइल से वीडियो शूट कर लिया। वो भी एक नॉर्मल वीडियो था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं ऐसे अपलोड करूँगा। वो वीडियो मैंने बनाया, वो अपलोड कर दिया चैनल पे, उसने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया वीडियो ने। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं और वीडियोस बनाता गया गाड़ी की। फिर माइंड में सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब मेरे चैनल का नाम था उस टाइम पर सोचा नहीं था कि मोहित व्लॉग्स होगा। उस टाइम पर एक नॉर्मल मैंने, जो मेरा फुल नेम है मोहित रावत, वो मैंने अपना चैनल का नाम रखा हुआ था। फिर माइंड में ये आया कि मुझे कुछ यूनिक नाम अपना रखना चाहिए चैनल का जो कि डिफरेंट हो। तो मुझे व्लॉगिंग मैंने सुना था, देखता था मैं व्लॉगर्स, उस टाइम पर काफ़ी व्लॉगर्स थे जो मैं देखता था वीडियोस। तो माइंड में ये आया कि मुझे अपना एक व्लॉगिंग चैनल शुरू करना चाहिए। लाइक मैंने फिर अपना जो मेरा चैनल का नेम था वो मैंने चेंज किया, मोहित व्लॉग्स, फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया जो आज आप दर्शन कर रहे हैं मोहित व्लॉग्स के चैनल पे। तो वो नाम माइंड में अपने आप ही आया था कि मुझे एक व्लॉग चैनल शुरू करना चाहिए। और काफ़ी वीडियोस मैं गाड़ियों से रिलेटेड डाल रहा था अपने चैनल पर, तो माइंड में एक थॉट ये भी आया क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए गाड़ियों से रिलेटेड। तो भगवान की मर्ज़ी कुछ और थी। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी मैं एक बात बताना चाहूँगा। मेरे घर के नियर बाय कुछ ही डिस्टेंस पे मेरे मंदिर है हनुमान जी का, जिसकी वीडियो मैंने शूट की है और चैनल पर मैंने अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। मुझे 10 साल हो गए थे, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए थे उस मंदिर में जाते हुए। तो वहाँ पे बाबा जी हैं जो कि नंदगांव के हैं वो। तो बाबा जी ने मुझसे एक बात बोला कि बेटा आपने ब्रजभूमि देखी है, भगवान कृष्ण की नगरी, भगवान कृष्ण जहाँ पे खेले हैं वो। तो उससे पहले मैं काफ़ी कथाएँ सुनता था, भागवत कथाएँ। तो माइंड में ये था कि मुझे एक बार भगवान ऐसा अवसर दे कि मैं उनके दर्शन कर सकूं। तो मैंने बाबा जी से एक बात सीधा ये कही कि नहीं बाबा जी, मन में बहुत है कि वहाँ पे जाऊं, वहाँ पे दर्शन करूं। तो बाबा जी ने जब मुझे बोला कि आप मेरे साथ चलो बेटा, मैं आपको दर्शन कराता हूँ, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं उस टाइम पर इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं भावुक हो गया था कि भगवान की कृपा से मुझे वहाँ पर जाने को मिलेगा, जिस जगह पर मैं जैसे कहते हैं जाने के लिए कब से व्याकुल था, वहाँ पर मुझे दर्शन का लाभ मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा फर्स्ट विज़िट ब्रज का, जब मैं गया था ब्रज में, तो मैंने तीन वीडियो शूट की थी, यानी कि तीन स्थानों की मैंने वीडियो शूट की थी, जो कि मैंने सभी के साथ में वो शेयर भी करी है वो वीडियो। फर्स्ट वीडियो था मेरा नंद महल का, जो कि भगवान कृष्ण का महल है, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है नंद महल में। सबसे पहले वहाँ के मैंने दर्शन किए, उसके बाद मैंने भगवान आशेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, और फिर जो मेरा तीसरा स्थान था वो था टेर कदम। तो इन तीनों स्थानों की वीडियो मैंने आप सभी के साथ में शेयर की, और जब मैंने वो वीडियो शेयर की तो उस वीडियो पे ज़्यादा लोगों का रिस्पांस नहीं आया। तो माइंड में यही आया कि आई थिंक लोग देखना नहीं चाहते धर्म की वीडियोज़ या धार्मिक वीडियोज़। अगर आप देखेंगे तो मैं भी जो देख पा रहा हूँ, उसके बाद नन महल की जो मैंने वीडियो बनाई, टेर कदम की बनाई, आशीष्वर महादेव जी की बनाई, तो जब वो वीडियो रन नहीं करी वीडियो यूट्यूब पर, तो मैंने फिर गाड़ियों से रिलेटेड और वीडियोस बनाए। तो उस टाइम पर जो मेरे पास सब्सक्राइबर थे तो वो गाड़ियों से रिलेटेड थे, यानी कि वो कार के वीडियोस देखना चाहते थे, कार की नॉलेज जो चाहते थे, और जितनी भी मुझे नॉलेज है गाड़ियों को लेकर वो मैं शेयर करता रहा था उस दौरान वीडियो के थ्रू। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आने लगे कमेंट्स के, यूट्यूब कमेंट्स के, जो कि थे वो नंद महल की वीडियो के। जो मेरी सबसे पहली वीडियो वायरल हुई थी वो थी नंद महल की वीडियो, उस पर डे बाय डे हज़ारों व्यूज़ आने लगे। तो उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आए
उन कमेंट्स में एक ही रिक्वेस्ट थी सभी की कि आप हमें और दर्शन कराइए, आप हमें और स्थानों के दर्शन कराइए। जिस प्रकार आपने नंद महल के दर्शन कराए उसी प्रकार आगे और दर्शन कराइए। जो मैं देख पा रहा हूँ अभी कि जो मेरी फर्स्ट विज़िट थी नंद महल की यानी कि ब्रजभूमि की, तो उस पर मैंने 3 वीडियो शूट किए थे। और उसके बाद मैं बाबा जी के साथ ही गया था ब्रज में। तो उसके बाद जो मेरे सेकंड वीडियोस हैं, सेकंड विज़िट के वीडियोस हैं, वो है भगवान कृष्ण की नगरी, जहाँ पे मैं केवल दर्शन करने गया था बाबा जी के साथ में ही। उन्हीं के साथ में खाली दर्शन करने गया था, तो माइंड में एक ये थॉट आया कि जब यहाँ पर आया हूँ तो एक दोबारा से मैं आप सभी को दर्शन करा दूँ। सेकेंड वीडियो, सेकेंड विज़िट का वीडियो था मेरा भगवान कृष्ण की नगरी, उसी वो टाइटल और वही थंबनेल मैंने यूज़ किया है, अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद मेरा थर्ड विज़िट हुआ वृंदावन में, और फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन गया अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, जो कि चैनल पे वीडियो है, वृंदावन श्री बांके बिहारी जी मंदिर। सोचा नहीं था वहाँ के इतने सुंदर दर्शन होंगे, और वहाँ भी खाली मैं दर्शनों के लिए गया था। और जब गया था तो वो सोचा कि आप सभी के साथ वो वीडियो शेयर कर दूँ। वो भी वीडियो मैंने शूट किया, मोबाइल से शूट किया, क्योंकि कैमरा उस टाइम पे मैं कैरी नहीं कर रहा था। और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। हालांकि उस वीडियो पे जो मैंने भजन यूज़ किया है उस पे कॉपीराइट है मेरे, तो वो भजन मुझे इतना प्यारा लगता है, जब भी मैं ब्रज में जाता हूँ वो भजन मैं ज़रूर एक ना एक बार प्ले करके जाता हूँ, गाड़ी में सुनता बजाता हूँ तो काफ़ी आनंद आता है। और भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से, और आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी ने इतना प्यार दिया चैनल को कि अभी वैसे मेरे पास काफ़ी टाइम पहले मेरे पास ये रिसीव हो गया है। अगर आपको मैं बताऊं, आप में से काफ़ी लोग हैं जो समझ चुके होंगे क्या है, मैं आपको दिखा दूं खोलकर। ये है YouTube की तरफ से एक अवार्ड जो कि सभी यूट्यूबर्स को मिलता है जब वो एक टारगेट को जिसे कहते हैं कम्प्लीट कर लेते हैं। तो ये है सिल्वर प्ले बटन जो कि YouTube की तरफ से मुझे काफ़ी पहले मिल चुका है, लेकिन इसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, काफ़ी टाइम से बिज़ी था, इतना ज़्यादा बाहर के ब्लॉगिंग है, दर्शनों के लिए जाता था बाहर। और फाइनली बट आज मैंने कोशिश की है कि मैं आप सभी के साथ में थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकूं, जो कि अब मैं इसको एक बार खोल के आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि सिल्वर प्ले बटन जो कि रिसीव हुआ है, और एक महीने पहले मुझे रिसीव हुआ था, लेकिन मैं इसकी वीडियो जैसे कि मैंने बताया मैं शूट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसकी भी वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, अपनी जर्नी शेयर करना आप सभी के साथ में कि मेरी कैसी जर्नी रही आप सभी के साथ, जो कि मैंने इतने लंबे टाइम से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और ये YouTube की तरफ से एक जो आपको YouTube की तरफ से एक कंग्रेचुलेशन जो कार्ड मिलता है सभी यूट्यूबर्स को कि डू रिमेम्बर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर, यानी कि जब जो चैनल पे फर्स्ट जो सब्सक्राइबर थे, तो वो भी एक रिमेम्बर मोमेंट था मेरे लिए, जब मेरे सही में जब मेरे 100-100 सब्सक्राइबर हुए थे यानी कि, और फिर धीरे धीरे जब वो ग्रो हुए फिर 1000 हुए। तो मुझे आज भी याद है जब मेरे 400-500 सब्सक्राइबर थे, तब मैंने मम्मी से कहा था अपनी कि मम्मी मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुश हो गया था कि मम्मी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर ग्रो हो रहे हैं। और उस टाइम पर जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी ऐसा व्लॉगिंग का चैनल मैंने नहीं सोचा था। और आप सभी को मैं दिखाऊं, ये है YouTube की तरफ से जो कि एक लेटर आता है YouTube की तरफ से, और एक कंग्रेचुलेशन कार्ड जो मुझे रिसीव हुआ साथ में, और फाइनली सिल्वर प्ले बटन। Happy to receive this 100K subscriber complete होने के बाद आपको YouTube ये silver play button आपको देता है। और अभी चैनल पे 100K से above subscribers हैं, और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आपने अपने आपके subscribers हमें नहीं show हो रहे हैं, लेकिन don't worry, आपको इस वीडियो के बाद चैनल पे subscriber show होने visible हो जाएंगे। चैनल पे जब मैंने फर्स्ट वीडियो शूट किया था अपना, तब माइंड में ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना बड़ा टारगेट मैं कवर करूँगा, यानी कि 1 लाख+ सब्सक्राइबर्स मैं गेन करूँगा और वीडियोस कंटिन्यू करूँगा बनाना, ये भी नहीं सोचा था, माइंड में कभी नहीं आया था। लेकिन कहते हैं कि भगवान की मर्ज़ी कुछ और थी, शुरू कर रहा था गाड़ी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने,
सोचा था इसको ही कंटिन्यू करूँगा, आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। गाड़ियों से मैं काफ़ी मेरा लगाव रहा है बचपन से। इनफैक्ट जब मैं छोटा था तो मैं छोटी सी एक आपको मैं बात बताऊँ, तो जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी बचपन में मैं उसको कलेक्ट करता रहता था, तो उनसे मैं कुछ नहीं लेता था, उनसे मैं गाड़ियाँ लेता था अपने लिए बचपन से। मतलब कहने का मतलब ये है गाड़ियों का मुझे काफ़ी शौक रहा है, तो गाड़ियों से रिलेटेड मुझे नॉलेज आज भी है और मैं रखता हूँ। लेकिन कहते हैं कि सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और, वही जैसे कहते हैं सिचुएशन मेरे साथ हुई। सोचा था गाड़ी की वीडियोस मैं कंटिन्यू करूँगा, बनाऊँगा, उसके बारे में नॉलेज जितनी भी है मुझे वो मैं शेयर करूँगा, बट भगवान की मर्ज़ी कुछ और थी कि मैं व्लॉगिंग में आया। व्लॉगिंग से मैंने स्थानों की वीडियोस शूट की, और बचपन से ही मैं जो धार्मिक उसमें रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया अपने एक वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देखिएगा, कालका मंदिर की वीडियो में मेरी मदर है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको अपनी अपने फैमिली मेम्बर से मिलाइए, तो वीडियो मैंने शूट किया है अपनी मम्मी के साथ किया है कालका जी मंदिर में, दिल्ली में, जो कालका जी मंदिर है। कहा जाता है कि बहुत बड़ी माता है वो, बहुत बड़ी माई हैं, और मैं तो बचपन से जब मैं हुआ हूँ मम्मी मेरी उससे पहले से ही जाती है वहाँ पे, और मुझे काफ़ी खुशी है कि आज मुझे ये सिल्वर प्ले बटन जो मैंने रिसीव किया है YouTube की तरफ से, और ये सब कुछ हो पाया है आप सब के प्यार, आप सब के सहयोग से। आप सब ने चैनल को इतना सपोर्ट किया, और कई लोग पूछेंगे, मैं सभी को बता दूं, कई लोग पूछेंगे कि जो सिल्वर प्ले बटन है इसके बीच में ये रेड किया है, तो जब मैंने रिसीव किया तो जैसे कि इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये तिलक है जो कि मैंने, मेरी मम्मी ने लगाया इसमें तिलक, कि ये मेरा विनिंग अवार्ड है एक तरीके से YouTube की तरफ से, जो कि लिखा भी है प्रेजेंटेड, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और इसकी पिक्चर अगर आप देखना चाहेंगे तो आप Instagram पे आइए, आपको Instagram का यूज़र नेम आपको शो हो रहा होगा, Instagram पे आप मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं काफ़ी अपडेट देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको यहाँ पे इसमें जो मेंशन है वो मैं आपको पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इसमें मेंशन किया गया है। प्रेजेंटेड टू मोहित व्लॉग्स फॉर पासिंग 100K सब्सक्राइबर्स यूट्यूब। तो YouTube की तरफ से 100K जब आपके सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, यानी कि 1 लाख आप सब्सक्राइबर्स जब आप कवर कर लेते हो तो आपको सिल्वर प्ले बटन मिलता है। तो आप सभी से बस इतना कहूँगा, जिस प्रकार आपने 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराए हैं तो सपोर्ट कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए हर जगह, और जल्द से जल्द 1 मिलियन क्रॉस करा दीजिए। जैसे कि जब मैं आपको रियलिटी बताऊँ, जब मुझे रिसीव हुआ सिल्वर प्ले बटन, मैं आपको बता नहीं सकता उस टाइम पर मैं कितना एक्साइटेड था। जब ये ऑन द वे था मैं इतना एक्साइटेड था, और जब ये मुझे रिसीव हुआ तो मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया था कि मैं अब आगे और कंटिन्यू करूँगा अपने ब्लॉगिंग को, और आई विश कि जल्द से जल्द मैं 1 मिलियन क्रॉस करूँ और मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ। और बस एक चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगा, जो भी मेरी जितनी जर्नी रही है यूट्यूब की अब तक की, 2 से 3 साल हो गए चैनल को, तो ये सब आप ही के सब वजह से हो पाया है कि मैं इतनी वीडियोस बना पाया हूँ, कंटिन्यू कर पाया हूँ। आज टोटल वीडियो अगर मैं चैनल पे मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन टोटल अगर आपको मैं वीडियोस बताऊँ तो अराउंड 70 वीडियोस हैं चैनल पे। तो इतनी वीडियोस अगर मैं बना पाया हूँ ये सब आप ही की वजह से। और एक नव्या इधर आओ, मैं आपको एक अपने भांजे से मिलाना चाहूँगा, जो मुझे इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे। नव्या इधर आओ, जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे नव्या कौन है। ये है नव्या कृत, और ये मेरा भांजा है, यानी कि मेरे सिस्टर का बेटा है ये। और जब चैनल पे मेरी वीडियोज़ देखता है तो मुझे दूर से, जब ही छोटा था इसकी कैचिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि मुझे बचपन से ही पहचान लेता था। आपका नाम, आपका रियल नेम क्या आपका? एस्कलेटर नव्या है, फायर पुलिस डंपट्रक और खत्म। तो ये जो बोल रहा है ये कार्टून देखता है, फायर ट्रक और पुलिस मैन वगैरह, तो इसको कार्टून देखना पसंद है। और कौन कौन से कार्टून देखते हो आप? एस्कलेटर, डंपट्रक और कुछ भी नहीं। मामा के साथ बैठा हूँ। मामा के साथ बैठे हो। अब आप अपना नाम बताओ सबको एक बार। मैं फायरमैन, नाम है एस्पिरेटर, नाम है फायरमैन, पुलिसमैन और एस्कलेटर और ये तो कार्टून्स के नाम है, ये तो कार्टून जो आप देखते हो। आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है? जो ट्रेन होता है, जो पुलिस कार होती है, जो फायर कार होती है, जो एस्कलेटर कार होती है, गेम बॉल। हाँ। चलो ठीक है, ये तो आपने अपने कार्टून्स के नाम बता दिए। दूसरा होता है नव्या।
आपका नाम क्या है? आप अपने सबको नाम बताओ, सब देखो सब देख रहे हैं। एक संभव, एक संभव नाम, एक संभव नाम, एक दादी नाम, एक पापा नाम, एक चाचू नाम। आप एपीसी नव्या गोयल। नव्या गोयल, हाँ। मैं आपको बता दूं, इसका नाम है नव्यकृत गोयल। और पुलिसमैन, पुलिसमैन, ट्रेनमैन और एस्केलेटरमैन और डंपमैन और चोरमैन। एक और रेस कार, जो गाड़ी होती है जो आग उठती है, उसमें जो फायरमैन आते हैं वो आता है, वो आग बुझाता है जो। तो काफी लोग जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं वो काफी लोग जानते होंगे कि नव्य कौन है। काफ़ी, जैसे कहते हैं, काफ़ी मैंने फ़ोटोज़ शेयर की हुई है इंस्टाग्राम पे, अगर आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पे तो आपको दिखेंगी हमारी पिक्चर। मैं लिखता भी हूँ अपने कैप्शन में कि लाडला, मामा का लाडला है ये, और हम दोनों एक दूसरे के नाम है। एक डंप ट्रक मैन, एक ट्रेन मैन, एक एस्केलेटर मैन, एक टूर मैन, एक डंप ट्रक मैन, और जो फायरमैन आता है चिल्ला के, फिर ट्रेन चिल्ला के ऐसे रूम रूम, फिर वो आग बुझाते पाइप के। ये कार्टून देखता है, ये ड्रम, ये सारे जो नाम, वो ड्रम ट्रक होता है, वो मिट्टी को नीचे डालते हैं से पी सी क्यू एल। कहने का मतलब है, जो ये बता रहा है आप सभी को, ये सारे कार्टून्स देखता है और बहुत ज़्यादा कार्टून देखता है, तो छोटा एक कार्टून देखता है अभी, और तो उन्हीं के नाम ही ले रहा है। हमारा जिसे कहते हैं बहुत ही, जिसे कहते हैं लाडला है, मेरा तो खासतौर पर बहुत लाडला है, मेरी मम्मी का भी बहुत लाडला है। अब मामा अपना काम करते हैं, अब आप खेल लो, ठीक है? तो काफ़ी टाइम से ही पूछ रहा था मेरे से नव्य कि मामा जी इसके अंदर क्या है, तो मैंने इसको बताया कि एक ये विनिंग अवार्ड है। अभी तो उसको वैसे नहीं पता इसका मतलब भी कि क्या है विनिंग अवार्ड, क्योंकि अभी ये 3 साल का है और स्कूल का एडमिशन अभी बिल्कुल भी नहीं हो पाया इसका, यू नो, आपको वो लास्ट ईयर में भी जैसे पता है कोविड की सिचुएशन, और इस साल भी कोरोना की सिचुएशन दोबारा अगेन हो गई, स्कूल वगैरह सब बंद है, तो अभी घर में ही स्टडी हो रही है इसकी। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रिज धाम की वीडियोस मैं ऐसे ही लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, राधे राधे।